आपके खाने में तीनों टाइम पौष्टिकता नहीं बल्कि कई बीमारियों को परोसा जाता है। ये बात सच हो सकती है क्योंकि हमारे तीन समय के खाने में उन तीन चीजों में से कोई ना कोई एक चीज तो जरूर होती है, जिन्हें आयुर्वेद में जहर के समान माना गया है। अगर आप एक हेल्थी जीवन जीना चाहते हैं तो इन तीन चीजों को अपने खाने से आपको हटाना पड़ेगा। आज इस वीडियो में आपको उन तीन चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप हर रोज सुबह से लेकर शाम तक कई बार खाते हैं और वो तीन चीजें आपके शरीर में कई घातक बीमारियों को पैदा करती हैं और जिससे आपकी उम्र कम हो जाती है, यानी कि वो तीन चीजें आपकी उम्र को कम करती हैं। अगर हम आज से लगभग 40 से 50 साल पास्ट में देखें, पीछे देखें, तो उन तीन चीज़ों का बहुत ही कम यूज़ होता था और उस समय के जो लोग थे बहुत कम बीमार होते थे, ज़्यादा हेल्थी होते थे। उस समय ना तो इतने हार्ट अटैक होते थे और ना ही लोगों को कैंसर, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक जैसी कोई भी घातक बीमारी होती थी। आजकल आप देखेंगे तो लोगों को बैठे बैठे, नाचते नाचते, खेलते खेलते और यहाँ तक कि दौड़ते दौड़ते भी हार्ट अटैक हो जाता है, और वो भी 30 से 35 साल की जो एज होती है उसमें। पहले कैंसर जैसी बीमारी आपको कभी कभी सुनने को मिलती थी, लेकिन आज आप देखेंगे किसी छोटे से छोटे गांव में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको एक या दो पेशेंट तो मिल ही जाएंगे। और ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, एंग्जाइटी, टेंशन, बीपी, ये सब तो एक आम बीमारी बन चुके हैं। इन बीमारियों को बढ़ाने में हमारे लाइफस्टाइल के साथ साथ उन तीन चीज़ों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो वो तीन चीज़ें कौन सी हैं और कैसे ये हमारे शरीर में इन बीमारियों को पैदा करती हैं, आइए इस वीडियो में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहताश, एक आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है रिफाइंड नमक। जो हम घरों में सफ़ेद चमकीला नमक खाते हैं, वास्तव में ये रिफाइंड साल्ट होता है, और इसको सुंदर बनाने के लिए या फिर यूं कहिए कि इसमें से इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के नाम पर इसको कई केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, और इसी समय इसमें आयोडीन भी मिला दी जाती है, और इस प्रक्रिया को रिफाइंड करना कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान इसमें से कई पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। जब हम इस रिफाइंड नमक को नहीं खाते थे तब लोगों में ना तो बीपी की प्रॉब्लम होती थी और ना ही किसी को हड्डियों में दर्द होता था। असल में ये सभी हेल्थ प्रॉब्लम इस रिफाइंड नमक की वजह से होती हैं, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और ज़्यादा सोडियम हमारे बीपी को बढ़ाता है, जिससे दिल की कई घातक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दूसरा, नमक हमारे शरीर से कैल्शियम को सोख लेता है, जिससे जो हमारी हड्डियां हैं वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। आपने देखा भी होगा आजकल छोटी छोटी उम्र में ही हमारी टांगों में, कमर में दर्द होने लगता है, और बीपी बढ़ने से हमारे शरीर में कई दूसरी बीमारियाँ भी बढ़ जाती हैं, हार्ट अटैक, किडनी स्टोन और ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। लेकिन हमें आयोडीन के नाम पर डराकर रिफाइंड नमक खाने को मजबूर किया जाता है, जबकि हमें जीवन में आयोडीन की बहुत ही कम मात्रा चाहिए होती है, और इतनी आयोडीन हमें एक पौष्टिक खाना खाने से ही मिल जाती है। तो अगर आप एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं तो आज से ही रिफाइंड साल्ट की जगह सेंधा नमक यूज़ कीजिए, जिसे हम रॉक साल्ट के नाम से भी जानते हैं, उसका यूज़ करना शुरू कर दीजिए, और ये बिल्कुल प्योर होता है और इसमें सभी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। दूसरी सफ़ेद चीज़ का नाम है दोस्तों रिफाइंड चीनी। चीनी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। रिफाइंड शुगर नमक से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर ये कहें कि मिठास के नाम पर हमारी थाली में बीमारियों को परोसा जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। चीनी गन्ने के रस को रिफाइंड करके बनाई जाती है, और चीनी में फ्रुक्टोज होता है, जो हमारे हार्ट, लीवर, किडनी, स्किन, दांतों और ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। फ्रुक्टोज में कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और ये डायरेक्ट हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो ब्लड में शुगर लेवल को एकदम से बढ़ा देता है। एक्स्ट्रा कैलोरी होने की वजह से ये फैट के रूप में हमारे शरीर में डिपॉजिट हो जाता है, और इससे फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा लीवर जो है फैटी हो जाता है, और सबसे खतरनाक बीमारी जो है मोटापा, जो 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को जन्म देता है, इसी रिफाइंड शुगर की ही देन है। रिफाइंड चीनी हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को बढ़ाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, और ये हमारे दांतों की तो सबसे बड़ी दुश्मन है। चीनी के अंदर बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करते हैं, जिससे हमारे दांत सड़ने लगते हैं, और इतना ही नहीं, चीनी की वजह से कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, स्किन प्रॉब्लम, माइग्रेन जैसी कई घातक बीमारियाँ हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं। चीनी खाने वालों के लिए इसको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की तरह चीनी भी हमारे शरीर में एडिक्शन पैदा करती है, इसकी लत लग जाती है।
कोल्ड ड्रिंक, सोडा, चॉकलेट और कई ऐसे पैक्ड फूड आते हैं बाजार में जो इसका एक एग्जाम्पल है। चीनी की जगह हम गुड़ या देसी खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप एक लंबा स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, आज से ही ये सफ़ेद मीठा जहर खाना बंद कर दीजिए। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तीसरा नाम आता है दोस्तों मैदे का। दोस्तों मैदे का रंग भी नमक और चीनी की तरह सफ़ेद ही होता है और मनुष्य की उम्र कम करने में उसका भी उतना ही योगदान है जितना नमक और चीनी का है। मैदे को गेहूं के आटे से रिफाइंड करके बनाया जाता है और जाहिर है कि न्यूट्रिशन के नाम पर इसमें भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बचता। जितने भी फाइबर और पौष्टिक तत्व गेहूं में मौजूद होते हैं वो सारे रिफाइंड करने के दौरान वो सब इसमें से निकाल लिए जाते हैं और आजकल हम सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल करते हैं। मैदा सबसे ज़्यादा आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुँचाता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए सबसे खतरनाक है मैदा। मैदे को रिफाइंड करने के लिए इसमें बेंजोइक एसिड मिलाया जाता है, वो यूज किया जाता है, जो बच्चों के लिए और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके लिए वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसके अलावा मैदे से जो चीजें बनाई जाती हैं, जिन चीजों को बनाया जाता है उनके लिए, उसको बनाने के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फेट का यूज किया जाता है जो एक टॉक्सिक केमिकल होता है। और बाजार में बिस्किट, ब्रेड से लेकर शादियों में रोटी तक आजकल मैदे से बनाई जाती है। मैदा हमारे वजन को बढ़ाता है और इससे हमारे शरीर में कमजोरी, डिप्रेशन, एक्ने और इसके अलावा भी कई घातक प्रॉब्लम हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं, जो कुछ समय के बाद एक खतरनाक बीमारी को निमंत्रण देती हैं, आगे चलकर भयानक बीमारी आपके शरीर में पैदा हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप एक लंबा निरोगी जीवन जीना चाहते हैं तो आज से ही इन सफ़ेद जहर को खाना बंद कर दीजिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपनी जनरेशन को भी सुरक्षित रखिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे, ज़रा से भी पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। जय हिंद।